उत्तरकाशी में रविवार को गंगनानी के पास में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 7 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो गई थी और 28 से अधिक तीर्थ यात्री इस घटना में घायल हुए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने कहा कि घायल यात्रियों से पूछताछ करने पर यात्रियों ने बताया कि बस चालक गंगोत्री से वापस आते समय बस को तेज गति से चला रहा था। वाहन चालक बस को नियंत्रण नहीं कर पाया, जिसके कारण बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। टू सेवेंटी नाइन, 337, 338 और 304A IPC में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है ड्राइवर के खिलाफ। ये नामजद मुकदमा है, मुकेश कुमार जो ड्राइवर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई वो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। और मेरा सभी से, मीडिया के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि पहाड़ी रास्तों में जो अपनी गाड़ी है वो नियंत्रित चलाइए, और बहुत देख समझ के, और जितने भी ट्रैफिक रूल्स नियम हैं उन सबका सख्ती से पालन कीजिए।